सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। रियलिटी शो से अपना सिंगिंग करियर शुरू करने वाली नेहा कक्कड़ अब खुद इंडियन आइडल की जज की भूमिका निभाती हैं। हाल ही में एक रियलिटी शो में नेहा कक्कड़ ने अपने रिलेशनशिप में होने का खुलासा किया था। इंडियन आइडल के मंच पर एक्टर हिमांश कोहली आए और तब दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। अब हिमांश और नेहा के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो नेहा और हिमांश का ब्रेकअप हो गया है। ये खबर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। इस बात का पता तब चला जब हिमांश और नेहा ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और इस बात से तो ऐसा लगता है कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। बता दें कि शनिवार को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम में नेहा कक्कड़ का एक कॉन्सर्ट था। इस कॉन्सर्ट में नेहा ने अपने पॉपुलर गाने गाकर दर्शकों का दिल जीता। कॉन्सर्ट के दो दिन बाद ही नेहा और हिमांश की ब्रेकअप की खबर चौंकाने वाली आई। इस बारे में नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। बता दें, दुनिया के सामने अपने रिलेशनशिप को लाने से पहले हिमांश और नेहा सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते थे। दोनों की लव स्टोरी करीब 6 महीने पहले ही शुरू हुई थी। दोनों ने एक वीडियो एल्बम हमसफर में भी साथ काम किया था। इसके बाद से ही दोनों में करीबियां बढ़ गई थी। फिर इंडियन आइडल के मंच पर आकर हिमांश ने नेहा के लिए अपने प्यार को कंफर्म किया था। अब ब्रेकअप के बाद नेहा और हिमांश ने अपने अपने अकाउंट से एक दूसरे की शेयर की गई फोटोज और वीडियोस को भी डिलीट कर दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो नेहा और हिमांश ही कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर बताएं हमें कमेंट करके।